हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कलर विजन डेफिशिएंसी की। इस तस्वीर में जो फलों के रंग दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल व्यू है, यानी अगर हम और आप देखते हैं तो इन्हीं कलर्स में हम इनको देखते हैं। बट अगर किसी व्यक्ति को कलर डेफिशिएंसी है, जिसको कुछ कलर दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको ये सब्जियां कैसी दिखाई देंगी, यानी इस तरीके का रंग उससे कैसे दिखाई देंगे। तो अगर किसी को ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है, ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है, तो उसे ये तस्वीर इस तरीके की दिखेगी। और अगर किसी को लाल कलर नहीं दिखाई देता है तो उसको ये कलर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। वहीं अगर किसी को ब्लू कलर नहीं दिखाई देता है तो उसको ये तस्वीर या ये फलों के रंग कुछ इस तरह दिखाई देंगे, यानी हल्के पिंक कलर में दिखाई देंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मोस्टली लोगों में ग्रीन और रेड की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और इन दोनों डेफिशिएंसीज में जो आउटपुट उसको दिखाई देता है, जो कलर दिखाई देते हैं, वो भी ग्रीन और रेड डेफिशिएंसी में ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है डार्कनेस और ब्राइटनेस का, बट ऑलमोस्ट सेम ही उसको कलर दिखाई देते हैं। व्यूअर, जहाँ आज मनोरंजन का साधन घर में टीवी है, उस स्थिति में अगर किसी को कलर विज़न डेफिशिएंसी है तो वो नेचुरल कलर कैसे देख पाएगा, क्योंकि उसको तो कुछ स्पेसिफिक कलर दिखाई नहीं देते। तो आज हम इसी वीडियो में इस बात को जानेंगे कि अगर किसी को कलर विज़न डेफिशिएंसी है, जिसे शॉर्ट में हम CVD कहते हैं, तो वो अपना मनोरंजन टीवी में नेचुरल कलर के साथ कैसे कर सकता है, तो आइए जानते हैं। व्यूअर्स, कलर विज़न डेफिशिएंसी के सॉल्यूशन के रूप में 27 नवंबर 2017 को इसका एक सॉल्यूशन आया, जिसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने ही लॉन्च किया था। इसे एक ऐप के ज़रिए लॉन्च किया गया, जिसका नाम था सी कलर्स। इस ऐप को QLED टीवी के लिए कंपैटिबल बनाया गया। ये ऐप लोगों की कलर डेफिशिएंसी को पता लगाने में मदद करता है। QLED टीवी में 100% कलर वॉल्यूम मिलता है, और ये कलर विज़न डेफिशिएंसी के लोगों को एक्यूरेट कलर देखने का एक नया एक्सपीरियंस देता है। व्यूअर्स, ये कलर ऐप आप अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं। आपको पता होगा कि सैमसंग फ़ोन में गैलेक्सी ऐप स्टोर भी होता है, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये ऐप सैमसंग के कुछ फ़ोन में ही चल सकता है, जैसे S6, S6 एज, S6 एज प्लस, S7, S7 एज और S8। अगर आपका फ़ोन सैमसंग का नहीं है, लेकिन फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन फ़ोनों के बराबर है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 300 मिलियन लोग कलर विज़न डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं, जिसमें कि 8% पुरुष और 1% महिलाएं हैं। व्यूअर्स, मोस्टली हमें और आपको कभी पता नहीं चलता कि हमें कलर विज़न की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपको इसका टेस्ट करना है तो आप सिंपली मेरे इससे पहले की वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। आप इस आई बटन को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ पर उस वीडियो से अपनी आँखों को चेक भी कर सकते हैं कि आपको कलर विज़न प्रॉब्लम है या नहीं। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। तो व्यूअर्स, आपको या किसी को भी अगर कलर विज़न डेफिशिएंसी है और वो एक नेचुरल कलर को देखने का एक एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं, या ऐसे कलर्स जो हम और आप देखते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन QLED है, जिसमें वो नेचुरल कलर को 100% वॉल्यूम में देख सकते हैं। तो नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे।